हेलो माय 30 प्लस लेडीज़ आउट देयर, आपके लिए आज लेके आई हूँ स्किन केयर एंड हेयर केयर हैक्स जो आपकी स्किन को आपके हेयर को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रखने में मैनेजेबल रखने में हेल्प करेंगे। इजी से हैक्स हैं, पूरी वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा एंड गेट द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर योरसेल्फ। सो गाइस, कई सारे लोगों को देखा गया है कि 30 प्लस के बाद उनका स्किन का टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, स्किन में लाइंस आ जाती हैं, स्किन में पिगमेंटेशन आ जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है पपाया का पाउडर यानी कि पपीता पाउडर। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में नहीं है तो फ्रेश पपाया का प्योरी बना लें और उसे ले लें 1 से 2 चम्मच, ठीक है। इसमें हम मिलाएंगे चावल का आटा और साथ में आप मिला सकते हैं रोज़ वाटर या फिर जो भी आपको सूट करता है, दही या फिर मिल्क, ऐसे मिक्स करके उसके बाद आपको अपनी स्किन पे लगा लेना है। 30 प्लस होने के साथ साथ ना अपनी स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्किन की इलास्टिसिटी ख़राब हो जाती है, स्किन आपकी जो है ना खिंचने लगती है, लाइंस आने लगते हैं स्किन पे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन का ध्यान रखें 30 प्लस होते ही और शुरू से ही प्रिवेंटिव मेजर स्टार्ट कर दें। इस पैक को आप क्या कर सकते हैं, हफ्ते में 1 से 2 बारी लगा सकते हैं एंड जितने भी मार्क्स हैं, झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, रिंकल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी इससे। इसे क्या करना है, आपको लगा लेना है और फिंगर टिप्स को वेट करके इस तरह से मसाज करनी है, जेंटली करना है। मेरी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड है, बहुत ही हल्के हाथों से करना है। पपाया क्या करता है, आपकी स्किन को टाइट एंड फर्म रखने में मदद करता है, स्किन में कोई भी मार्क्स हैं, पिगमेंटेशन है, उन्हें दूर करने में हेल्प करता है। 10 मिनट छोड़ने के बाद ठंडे पानी से फेस को वॉश कर लीजिए एंड पैट इट ड्राई। 30 प्लस अगर आप हैं तो ये पैक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब ग्लोइंग स्किन, पार्टी लाइक स्किन किसको नहीं चाहिए होती है, हर किसी को चाहिए होती है। इसके लिए एक सिंपल सा टिप आपको दूंगी, आपको करना है क्लेंजिंग इस सीरम से जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। लेना है कच्चा दूध, लेना है एलोवेरा जेल, किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल ले लीजिए, कच्चा दूध ले लीजिए। इसमें आप रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं, विटामिन ई का ऑयल डाल सकते हैं, यानी अगर आपके पास कैप्सूल फॉर्म में है उसकी 2-3 ड्रॉप डाल दीजिए एंड ये आपका बढ़िया सा सीरम बनके तैयार है। इस क्लेंजिंग सीरम को एक बार आपको सुबह यूज़ करना है, एक बार नाइट में यूज़ करना है एंड आपको इतने बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे ना, कोई भी अलग से क्लेंजिंग करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। फेस वॉश की जगह अगर आप सिंपली इसे भी यूज़ करते हैं, आपका स्किन बहुत अच्छे से क्लेंज होने वाला है, हाइड्रेट होने वाला है, मॉइस्चराइज होने वाला है। कच्चा दूध जहाँ काफ़ी ज़्यादा उसमें होती है क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़, वहीं विटामिन ई जो है ना आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखता है, जो एक ड्राइनेस खो जाती है ना बढ़ती उम्र के साथ साथ, उसे रिस्टोर करने में ये हेल्प करता है। तो एक काफ़ी अच्छा सा सीरम है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं एंड दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। होममेड है, 1 मिनट में बन जाता है और आराम से क्लेंजिंग हो जाती है। अपने फेस में, नेक में अच्छे से क्लेंज कर लीजिए, चाहे तो वेट टिश्यू में इसे डुबोकर और उसके बाद अपने फेस पर रख लीजिए 10 मिनट के लिए, उसके बाद वॉश कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। अब 30 प्लस है तो सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम तो आपको होगी ही, इसके लिए हम बनाएंगे होममेड ऑयल। सरसों का तेल लेना है आपको यानी कि मस्टर्ड ऑयल और लेना है आयरन पॉट, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें हमें ऐड करनी है, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना है और ये आपको क्या करना है, हफ्ते में 2 से 3 बार लगाना ही है। केमिकल से जितना दूर रहेंगे ना दोस्तों उतना अच्छा रहेगा आपके लिए और आपके बालों के लिए। जितना ज़्यादा केमिकल अप्लाई करेंगे ग्रे हेयर की प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। सबसे पहले मैंने डाल दिया आंवला पाउडर और नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर देंगे हिना पाउडर। ये 2 चीज़ें इनफ हैं आपके बालों में ब्लैक कलर को प्रमोट करने के लिए, बालों को ब्लैक करने के लिए, एक ब्लैक लेयर चढ़ाने के लिए, ठीक है। चाहें तो इसमें करी लीफ का पाउडर आप ऐड कर सकते हैं, चाहे तो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने पहले डाला आंवला पाउडर, फिर डाला करी लीफ का पाउडर, फिर डाला मेहंदी पाउडर। करी लीफ का पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिएगा। इसे आपको क्या करना है, 1 मिनट के लिए गैस फ्लेम पे रखना है ताकि सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ इस ऑयल में आ जाए। ऑयल को ले लेना है ग्लास कंटेनर में और मैंने ऑयल को छाना नहीं है, आप चाहें तो छान सकते हैं और इसके बाद स्टोर करके रख लेना है। आराम से ये 1 मंथ के लिए आपका ऑयल प्रिपेयर हो जाएगा। इसे आपको लगाना है हफ्ते में 2 से 3 बारी। जहाँ पे मेरे ग्रे हेयर है ना अच्छे से, मैं वहाँ पे इस ऑयल का मसाज करती हूँ। अगर आपको ग्रे हेयर की प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी आप मसाज कर सकते हैं, आपको कभी ग्रे हेयर की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी आप मेहंदी पैक या जो भी हेयर पैक लगाते हैं वो लगाइए, बट ये होममेड ऑयल बनाकर तैयार कर लीजिए और इसी को लगाया करिए। मार्केट का कोई भी ऑयल लगाने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सो ग्रे हेयर की प्रॉब्लम भी फिक्स हो गई। अब अगर आपके बालों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, बाल बहुत ज़्यादा रफ एंड ड्राई है, कोई ग्रोथ नहीं है बालों में, फ्रिजी हो गए हैं बाल, बहुत ज़्यादा उलझ रहे हैं,
बाल बढ़ नहीं रहे हैं, इसके लिए एक बहुत ही इजी सा टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको क्या करना है, इस वाटर को लेना है स्प्रे बॉटल में और इसे स्प्रे करना है। आपको डेली भी स्प्रे कर सकते हैं, वीक में 2 से 3 बारी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बनाना कैसे है, सिंपल। चावल को क्या करना है, आपको सोक कर देना है। जो आपके घर में राइस अवेलेबल है, 2 से 3 चम्मच सोक कर दीजिए 4 से 5 घंटों के लिए। पहला पानी निकाल लीजिएगा, उसके बाद ही सोक करिएगा। पहले पानी में गंदगी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उसके बाद इसे सोक कर दीजिएगा। 4 से 5 घंटों के बाद छान लीजिए। ये आपका राइस वाटर बन गया है। इसे क्या करना है, स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र कर लीजिए, या फिर इसे आप एज अ हेयर रिंस यूज़ कर सकते हैं, या फिर स्प्रे कर सकते हैं। शैम्पू जब आप करते हैं, शैम्पू के बाद जो लास्ट पानी आप यूज़ करते हैं, उस तरह से इसे हेयर रिंस की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह से डेली आप अपने बालों पे, यानी कि जड़ों में, बालों की जड़ों में स्प्रे कर सकते हैं, हेयर लेंथ में स्प्रे कर सकते हैं। बालों का टूटना झड़ना बंद हो जाएगा, बाल सिल्क की शाइनी हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएंगे। तो ये एक ऐसी ट्रिक है जो हर कोई कर सकता है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना है, ईजी एंड सिंपल है। इसे रेगुलर करेंगे ना, बालों में डिफरेंस आप खुद मेकआउट कर पाएंगे। और बालों में आपको कभी भी स्ट्रेटनिंग, आयरनिंग, प्रेसिंग करानी ही नहीं पड़ेगी। बाल आपके ऑटोमेटिकली नेचुरली स्ट्रेट रहेंगे, बाल फ्रिज फ्री रहेंगे, सिल्की शाइनी स्मूथ रहेंगे और अच्छे से बालों की ग्रोथ भी होगी। तो ये आपको हमेशा करना ही चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बॉडी पॉलिशिंग के लिए एक हैक। अब हमें कहीं भी शादी पार्टी या किसी फेस्टिवल के टाइम पे या फिर कहीं गेट टुगेदर में अर्जेंटली जाना हो, तो बॉडी पॉलिशिंग के लिए सैलून का ट्रीटमेंट तो नहीं ले सकते हैं, इतना टाइम नहीं होता है और क्यों फालतू में पैसे खर्च करने। तो घर पे बनाएंगे हम बॉडी पॉलिशिंग का एक मास्क कम पैक कम क्रीम आप कह सकते हैं। इतने बेहतर तरीके से ये काम करती है ना, न्यू ब्राइड्स के लिए भी मस्ट ट्राई है। क्या करना है, आपको फ्लैक्स सीड लेना है, यानी कि अलसी, अलसी के ऐसे बीज आते हैं ना, ले लीजिए। साथ में चिरौंजी ले लीजिए। चिरौंजी आपके पास नहीं है तो आप मसूर की दाल का पाउडर भी ले सकते हैं। चिरौंजी आपके स्किन को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सफोलिएट करती है, पॉलिश करती है। इन दोनों चीज़ों को आपको ब्लेंड कर लेना है, देखिए इस तरीके से। अब इसे आप एक जार में स्टोर करके रख सकते हैं 1 महीने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे स्टोर नहीं कर रही हूँ, मैं बना के आपको दिखा रही हूँ। मैंने दही ऐड कर लिया है, हंग कर्ड अगर आपके पास है, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में जो दही होता है वो अगर आपके पास है तो वो मिक्स कर लीजिए। दही सूट नहीं करता तो मिल्क ऐड कर लीजिए, मिल्क नहीं सूट करता है तो हनी ऐड कर लीजिए, जो भी आपको सूट करता हो। अच्छे से आपको क्या करना है, इसे आपको रब करना है, जैसे आप स्क्रब करते हैं ना अपनी स्किन पे, बिल्कुल वैसे जेंटली, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं करना है। वीडियो मेरी फास्ट फॉरवर्ड है, बहुत ही जेंटली आपको करना है। इससे आपकी डेड स्किन रिमूव होगी, आपकी स्किन पे अगर मार्क्स हैं, पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन पे कहीं डिस्कलरेशन है वो रिमूव होगा, स्किन ग्लोई होगी, शाइनी होगी, क्रिस्टल क्लियर होगी और साथ साथ पॉलिशिंग इफेक्ट भी देगा ये आपकी स्किन को। आपके अंडर आर्म्स पे, नेक पे, नकल्स पे और एल्बो एरिया में, हैंड्स पे अच्छे से आपको करना है ताकि सारी चीज़ें बिल्कुल क्लीन हो जाए, है ना। आप देख सकते हैं मेरे स्किन पे भी क्रिस्टल क्लियर आपकी स्किन रहेगी, ग्लोई रहेगी और ऐसा लगेगा पार्लर से कोई फेशियल करा के आ रहे हैं, इतना ग्लो तो तब भी नहीं मिलता है। तो इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी आज की वीडियो। ये हैक्स मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी, स्पेशली आज मैंने शेयर किया है 30+ वुमेन के लिए जिन्हें अपनी एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है। आप चाहेंगे तो टीनेजर स्किन केयर रूटीन या फिर 40+ 50+ भी स्किन केयर एंड हेयर केयर रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी। बताइएगा ज़रूर कॉमेंट करके कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, यूज़फुल लगी है तो इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर एंड बाय बाय।